हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवेटिव सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू पादप ऊतक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, ये हमारा पार्ट वन होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कार्टेक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कैम्बियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है, आपको बताने कि व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्क कैम्बियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, आपको बताना है कि इनमें से किसके लिए वह उत्तरदायी होता है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, आहार वहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, आपको बताना है कि किसके लिए जिम्मेदार होता है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, जल वहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, वार्षिक वलयों की गिनती करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वायु ऊतक पाया जाता है, आपको बताना है कि वायु ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, वायु ऊतक जो है वह हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है, आपको बताना है कि आर्किड में विलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है, प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में या फिर पुष्पों में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, मूलों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, आपको बताना है कि किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतःरम्भीय एधा के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 वर्ष होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है। तो आपको बताने कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 फीट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते रहते हैं, आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु ऊतक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, शीर्षस्थ विभ्याजोतक उत्तरदायी होता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, यह किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो शीर्षस्थ जो है विभाज्योतक जो है वह लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा धसे होते हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो मरुद्भिदों में जो है वह रंध्रों की संख्या कम होती है और यह धसे भी रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कार के बाहर विलगन परत के बन जाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलामेन की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना है कि पौधों में विलामेन की आवश्यकता क्यों होती है। आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, नमी के अवशोषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पार्श्व विभाजोतक उत्तरदायी होता है, आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेटर मेरिस्टेम जो है वह मोटाई में पौधों की मोटाई में वृद्धि करने के लिए उत्पन्न उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वाणिज्यिक मूल्य वाला कार किससे प्राप्त होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेरकस से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, जेसी बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवरअप कर लिया है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी में कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।